और टेस्टी तो रहेगा ही, और बनाने में भी आसान तरीका है। और जहाँ से भी आप लोग देख रहे होंगे मेरा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और फुल वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा दोस्तों। और सावित्री सिन्हा किचन के सारा लिंक ओपन करिए, और वहाँ बहुत सारे रेसिपी मिलेंगे, और वहाँ देखिए, और आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अब इसको कट कर लिए हैं, इसको इस तरह से काटते हैं। ये मेरा अपना गार्डन का आम है दोस्तों, और इसमें भी अंदर से बीज नहीं बना है, अभी बहुत बड़ा होता है, लेकिन अभी इसको तोड़ लिए हैं। और ये है मालदा आम, जो एक कैरी है ना कच्चा वाला, ये मालदा है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। और ये है से दशहरी आम है, तो ये तो मैं अभी पका हुआ आम मार्केट से लाई हूँ, मेरे गार्डन में अभी पक नहीं रहा है, वो पीछे पकेगा। तब इसको पहले कटिंग कर लिए, अब इसको पल्प को निकालते हैं। पल्प निकालने के लिए आपको दो ट्रिक बताते हैं। जैसे आप लोग पका हुआ आम को इस तरह से छीलते हैं, जैसे मैं कच्चा को छीली हूँ, छिलका उतार रहे हैं, उस तरह से आप लोग मत छीलिए, बहुत आसान हो जाएगा मेरे ट्रिक से। आप लोग मतलब काटिएगा आम के पल्प निकालिएगा, तो इस तरह से काटिए आम को, पहले भी मैं वीडियो में बताई हूँ इस तरह से, पहले ऐसे काटेंगे। और इस तरह से हम इसमें नाइफ की हेल्प से इस तरह से कट लगा देंगे, इतना आसान हो जाएगा, इसका पल्प भी बर्बाद नहीं होगा, वैसे अच्छा कटता नहीं है। साथ में डालना है दोनों के, जैसे कि मैंगो फ्रूट मैं बना रही हूँ, तो इसमें एक कच्चा आम डालना है और दो पका हुआ डालना है, तब आपका टेस्ट बनेगा, वो जो थोड़ा सा हल्का खट्टापन पर भी होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, है ना आसान ट्रिक। और ऐसे छीलिएगा ना, तो सब जो इसका पल्प है, गूदा है, से सब मला जाएगा, ये बहुत आसान से निकल गया, देखे ना दोस्तों। इस तरह से आप लोग मेरे ट्रिक से बनाइएगा, फिर इसी तरह से इसको करेंगे, इस तरह से फट-फट, इतना आसान है निकालना कि सोचिए मत। तो सारा मैंगो के मैं पल्प निकाल ली हूँ, और ये जो कैरी था इसका भी काट कर ली हूँ। तब तो इसको उबालने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो पैन लेंगे इस तरह से, और पैन में सारा आम को डालेंगे इस तरह से। आप चाहे तो प्रेशर कुकर में, कढ़ाई में, कुछ में भी आप इसको उबाल लीजिए। और इसमें पानी डाल रहे हैं, 1 कप से मेजरिंग करके बता रहे हैं आपको, 1 कप से 1 कप पानी डाल रहे हैं, और आधा कप और डालेंगे, आधा कप और ज़्यादा पानी नहीं डालना, नहीं 1.5 कप, ये 300 ग्राम का है कप, तो अंदाज से डाल देते हैं 1.5 कप पानी इसको पकाने तक। ज़्यादा पानी नहीं हमें डालना है, जितना इसको पकाना है, पकने तक पानी डालना है, फिर आगे के प्रोसेस दिखाते हैं। चूल्हा को फ्लेम को जला दिए हैं, अब चूल्हा पर इसको उबालने के लिए रखते हैं। और मैंगो फ्रूट में डालने के लिए, सिरप बनाने के लिए चीनी ली हूँ, ये 200 ग्राम चीनी है, छोटा कटोरी है, हाफ कटोरी है, आपको जितना बनाना है उस हिसाब से आप
चीनी डाल सकते हैं, और इसी कटोरी से पानी मेजरिंग करके डालते हैं। ज़्यादा हमको पतला नहीं बनाना है सिरप, सिरप गाढ़ बनाना है, और इसको चीनी को घुलने तक हमको बनाना है, ऐसा एक दो तार को चाशनी नहीं बनाना है। तो इसको भी फ्लेम जलाते हैं और चूल्हा पर रखते हैं। मेरा फ्रूटी बनाने के लिए मैंगो तैयार हो गया है दोस्तों, देखिए ठंडा हो गया है। अब इसको मिक्सी जार में इसको ग्राइंड कर देते हैं। एकदम घर पर के बनाया हुआ, एकदम नेचुरल बना रहे हैं, एकदम ओरिजिनल। और जब भी आप बनाइए तो घर पर बना करके बच्चों लोग के दीजिए, तो इतना बच्चे लोग खुश हो जाएंगे कि आप सोचिए मत कितना खुश रहेंगे बच्चे लोग, और सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मार्केट में तो केमिकल और कितने दिन का पुराना, कोई एक्सपायरी डेट उसका नहीं है, कितना दिन के बनाया हो कितना दिन चला देते हैं लोग। हाँ तो दोस्तों पीस लिए हैं, अब देखिए इस तरह से मेरा कलर इसका आया है, कोई इसमें केमिकल नहीं, कोई कलर फूड कलर मैं नहीं डाली हूँ, इसका अपना नेचुरल कलर है। अब इसको छन्नी में छानती हूँ। सबसे पहले एक छोटा पैन ले लेती हूँ और इस तरह से जाली, तो इसको छान लेती हूँ। और बाकी के भी तो चम्मच के सहायता से इसको इस तरह से सारा पल पूरी गिराते हैं। कितना आसानी से सब छन रहा है, थोड़ा बहुत रेशा वगैरह चंस वगैरह होगा इसमें, स्टार्च उसको छान लेते हैं। ऐसे पीने में थोड़ा मुंह में पड़ेगा तो थोड़ा कैसा तो लगेगा, तो इसके लिए छान लेने से बहुत अच्छा होता। और चीनी का जो मैं सिरप बनाई थी ना, उसको भी इसी के सहायता से छान लेती हूँ। तो इसमें डालते हैं, डाल करके इसी तरह से मिक्स करते हुए इसको छान लेते हैं। आप जब भी बनाएं मैंगो फ्रूट तो सिरप को अलग से तैयार करें, साथ में चीनी लेके मत बनाइएगा, तो उसका टेस्ट दूसरा आपको हो जाएगा। ऐसे चीनी को गर्म करके डालिएगा तो उसका टेस्ट अलग रहेगा। ऐसे आसान पड़ेगा, कच्चा आम के भी आप पीस के बना सकते हैं, लेकिन फ्रूटी जैसा आपका स्वादिष्ट नहीं लगेगा। बड़ा वाला पेन में मैं पलट देती हूँ, क्योंकि मेरा मन को जूस ज़्यादा हो गया है, तो इसमें मिलाने के लिए नहीं बन रहा है, मिक्स करने के लिए। और इसी से अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। कोई इसमें कलर, कोई फूड कलर नहीं मैं डाली हूँ, एकदम देखिए कितना अच्छा नेचुरल एकदम मैंगो जूस बनकर तैयार हो गया, एकदम दो चीज़ से, और ज़रा भी इसमें मेहनत नहीं लगा है दोस्तों। इतना आसान ट्रिक है ये बनाना, तो इस तरह से मेरे ट्रिक से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए इतना गाढ़ा आप लोग रखिएगा, ज़्यादा पतला मत करिएगा, ज़्यादा पतला करिएगा तो मार्केट जैसा आपका हो जाएगा, वो मार्केट में ज़्यादा पानी का मिलावट रहता है, और ये हम बनाए हैं घर के एकदम नेचुरल। तो इस तरह से एकदम कोई खर्च नहीं है। अब इसको आप लोग के सर्व करके दिखाते हैं। तो ले लिए हैं चार ग्लास, कितना होता है मेरा, चारों ग्लास में डालकर दिखाते हैं। तब लीजिए दोस्तों, आप लोग सर्व करिए और मुझे फीडबैक शेयर करिए कि मेरा
मैंगो फ्रूट बनाया हुआ आप लोग के कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और एक बार आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, कुछ भी मेहनत नहीं है और घर का स्वस्थ रहना है तो घर के खाना खाइए। जो भी ड्रिंक बना रहे हैं तो घर पर ही बनाएं और नेचुरल तरीके से बनाएं, और बच्चे लोग के बच्चे या अपना फैमिली हस्बैंड जो भी है माँ पिताजी सबको खिलाएं और ख़ुद को खाएं और पूरे फैमिली मिलकर एंजॉय करें। और मार्केट बिल्कुल मत जाइए, मैं तो कहूँगी कि मार्केट जाना बिल्कुल भूल जाइए। हम लोग चाहेंगे तो हर रेसिपी घर पर तैयार कर सकते हैं। और मेरा यही कहना है कि मेरा बनाया हुआ रेसिपी इंडियन कोना में हर किचन में ही पहुँचे, मेरा यही मिशन है। सावित्री सिन्हा किचन में जाइए और वहाँ देखिए, लिंक खोलिए और देखिए, सारा आपका रेसिपी मिलेगा। और यही मेरा मिशन है कि आप लोग ट्राई करें और मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ दोस्तों आप लोग के लिए, कि आप लोग मेरा रेसिपी को बनाइए और फैमिली को खिलाइए, यही मेरा मिशन है। और आप लोग के मुझे सपोर्ट के ज़रूरी है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और फिर इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहें, और आप लोग के वीडियो देखने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं इसी तरह से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।